चलिए यहाँ से बात करते हैं आरजेडी के होनहार नेता। चलिए तो चलते हैं लेकर आपको। इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों के थाली से जो भोजन है वो छीनता चला जा रहा है। स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि आप बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसे उचित शिक्षा नहीं दी जा रही है, उसे दवाई की व्यवस्था नहीं है, सारा कुछ चौपट हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के जो नौजवान है जिन्हें रोजगार चाहिए, जब ये रोजगार की मांग करने सड़कों पर जाते हैं तो उनसे लाठियां बरसाई जाती है। हमारे शिक्षक बंधु जब अपनी बातों को लेकर के सदन को घेरने जाते हैं तो हमारे शिक्षकों पे भी लाठियां बरसाई जाती है। और हद तो तब हो गया जब विधानसभा में हमारे माननीय विधायक लोग बैठे हुए थे धरना पे, और इस तरह की घटना एक बार नहीं हुई। सदन में रोज जन समस्याओं के मुद्दे पे विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को घेरने का काम करते हैं, लेकिन इस नीतीश की ये निकम्मी सरकार, नीतीश कुमार की ये तानाशाही सोच ने सदन के अंदर जो हंगामा किया, जो गुंडेगर्दी करने का काम किया है, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया गया है, जनहूरियत को समाप्त करने का काम किया गया है। और लगता है कि बिहार में लोकतंत्र है ही नहीं, जनतंत्र है ही नहीं, जनहूरियत है ही नहीं, उसको समाप्त निकल गया है नीतीश कुमार। और उनके जो गुंडे पुलिस है वो सारे के सारे उसने नीतीश कुमार के लठेत बन करके और विपक्षी तमाम विभागों से टूट पड़े। इतनी गंदी बातें, ये इतना हद उसने कर दिया है, इस तरह की बातें उसने करने का काम किया है। पुरुष हमारे जो माननीय विधायक थे उनपे तो लाठी बरसाया ही गया, घसीट करके उनके बालों को खींच खींच करके और बाहर निकाला गया, लेकिन जो हमारी महिलाएं थी महिलाओं पे भी अत्याचार किया गया है। अनिता देवी जो अति पिछड़ा वर्ग से आती थी, पिछली सरकार में वो मंत्री हुआ करती थी, उसके साड़ी को खोलने का काम किया गया। ये गुंडे पुलिस, ये सारे जो नीतीश कुमार के ये गुंडे बन करके और सदन के अंदर इस देश के इतिहास की ये पहली दर्दनाक, खतरनाक और बिल्कुल निंदनीय घटना हुई है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। इस प्रकार का हरकत करने का काम किया गया है। कोई बोलता है अब ऐसा कानून लाया है इसने कि आप व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक पे कोई दुरोगी बातें नहीं लिख सकते हैं, आप उनके बारे में बोल नहीं सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन में कोई आक्रामक बात नहीं कर सकते, आप करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। इस तरह का कानून नीतीश कुमार ने लाया है। अरे ये देश तो गांधी का देश है, ये देश जहां जनतंत्र मजबूत है, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र पे हमला करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने का ये प्रयास किया जा रहा है। केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, मोदी की सरकार, वो तो इस दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह शासकों में गिना जाता है, वो तो लोकतंत्र के सारे सिस्टम पर निकल रहा है, समाप्त कर रहा है, और उसी का अनुकरण, उसी का पिछलंगू बन के